कृष्णा, एक समय की बात है, एक रामधन करके राजा थे, प्रजापालक, दयालु, कृपालु, सबका ध्यान करने वाले राजा। उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैलने लगी, दूर दूर के लोग उनको जानने लगे। उनके ही पास के राज्य में भीम सिंह करके राजा रहते थे, भीम सिंह नाम के राजा रहते थे, और उनको ईर्ष्या होने लगी। जैसा कि होता है आम तौर पे, हम एक दूसरे की प्रसिद्धि नहीं सहन कर पाते, ईर्ष्या आ जाती है। तो ऐसे ही भीम सिंह को ईर्ष्या आ गई रामधन से, और ईर्ष्या इस तरह से बढ़ी कि उन्होंने उनके राज्य पे आक्रमण किया, उनको हराया, और रामधन जो राजा थे वो जंगल में चले गए और वहाँ पर वो इधर उधर छुप के घूम रहे हैं। भीम सिंह को इससे भी संतोष नहीं हुआ क्योंकि प्रसिद्धि उनकी कम नहीं हुई, उनकी प्रसिद्धि वैसी की वैसी बनी रही। तो भीम सिंह ने सोचा, नई युक्ति निकाली कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को जंगल में भेजा और इनाम रखा 10,000 मुद्रा में देने का। तो रामधन जो राजा थे वो जंगल में घूम रहे थे, तभी उनके पास एक सिपाही आता है, कोई व्यक्ति आता है, वो पूछता है कि आप कौन है। पूछते हैं कि आपको कौन चाहिए। बोले, मैं तो रामधन राजा को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, वो कोई गरीब व्यक्ति था, उसको धन की आवश्यकता थी, तो और अगर वो मिल जाएंगे तो मैं उनको भीम सिंह राजा को सौंप दूंगा, मुझे कुछ धन मिल जाएगा क्योंकि मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। रामधन जो राजा थे वो वहाँ पर छुप सकते थे और बच सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति पे दया आई, उसको बचाने के लिए वो चले गए भीम सिंह राजा के सामने। और वहाँ जाकर बोलते हैं, सब लोग हैरान रह गए उनको देख के कि आप कैसे यहाँ पे आ गए। उन्होंने कहा कि मैं इस व्यक्ति के कारण आया हूँ, इसको 10,000 मुद्रा दे दो, इसको बहुत ज़रूरत है, और मैं, मेरे साथ जो आपको करना हो कर लीजिए। भीम सिंह राजा उनके गुणों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनका राज्य भी वापस किया, उनसे अच्छी मैत्री भी की और हमेशा उनकी सहायता करते। तो हम देखते हैं कि जीवन में हम जब कुछ अच्छा करते हैं वो हमारे पास ज़रूर लौट कर आता है, ज़रूर ही उसका रिज़ल्ट अच्छा ज़रूर होता है। कुछ समय ऐसा हो सकता है कि बुरा बीत जाए, कुछ समय कष्ट आ जाए, लेकिन हम अगर अपनी अच्छाई पर अडिग खड़े रहेंगे तो ज़रूर जीवन के ये पल बदलने वाले। वैसे भी दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही रहता है, तो इस तरह से हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अच्छे रास्ते पर ही अडिग रहें। तो हम ये कुछ करने की भावना, दूसरों के लिए अच्छा करने की भावना, ये गुण हमारे अंदर कैसे आते हैं, ये गुण किसी व्यक्ति के अंदर कैसे आते हैं? तो जितने भी गुण हैं, बख्शी भगवान कृष्ण 6 ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, और 6 ऐश्वर्य उनके वो 6 ऐश्वर्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि जीव उनके अंश हैं, उनमें भी आते हैं। तो मोड ऑफ गुडनेस के अंदर जीव भी आते हैं, सतो गुण के अंदर। भगवान तो परम सत्य है ही है, और भगवान के अंदर तो ये सारे गुण भरपूर मात्रा में हैं, लेकिन जीव के अंदर भी वो थोड़े थोड़े आ सकते हैं अगर वो श्री भगवान कृष्ण से अपना संबंध बनाए, उनकी भक्ति करें। हम भगवान का देखते हैं कि भगवान ने जब भी अवतार लिया और जब कृष्ण स्वयं आए, तो उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए पूरा जीवन, जितने टाइम में भगवान धराधाम पर है, भगवान ने हमेशा दिन और रात दूसरों की भलाई की सोची और किया भी, उसके लिए कितने संकट भी झेलने के लिए तैयार थे। भगवान जब वृंदावन में थे, बचपन से ही वो राक्षसों का वध कर रहे थे। 6 महीने के थे भगवान जब पूतना राक्षसी आ गई थी, और सारे ब्रजवासियों को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान हमेशा प्रति दिवस ही करीब करीब कई राक्षस आ जाते थे और भगवान उनका वध कर रहे। पूरे ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए भगवान गोवर्धन धारण कर रहे हैं। पांडवों को बचाने के लिए भगवान पूरा समय उन लोग के साथ थे, हमेशा उनको निर्देश देते रहते थे, हमेशा उनको मैसेज देते रहते थे। द्रौपदी को भगवान ने बचाया दुर्वासा के क्रोध से,
और जब उनके दुशासन ने उनका वस्त्र चीर हरण करा दुशासन ने, तो भगवान ने उसको इतना लंबा कर दिया कि दुशासन भी थक गया था वो साड़ी खींचते खींचते। और भगवान ने कहा कि मैं तो बस, द्रौपदी ने कहा कि भगवान मैं तो, आप इतना परेशान हो गई थी और आप आए नहीं मेरे पास। भगवान ने कहा मैं तो बस इंतज़ार कर रहा था कब तुम मुझको पुकारो और मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊं, और जब तुमने पुकारा मैं तुरंत आ गया। जब तक तुम देख रही थी कि और लोग मदद कर देंगे इस संसार में, और तब तक मैं बस मैं इंतज़ार कर रहा था। तो द्रौपदी की मदद कोई नहीं कर पाया, उनके पांच पति भीष्म देव द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र कोई भी नहीं, इतने बड़े जन बैठे हुए थे, परिवार के बड़े लोग बैठे थे, कोई मदद नहीं कर पाया। मदद किसने की? कृष्णा ने। तो हमें भगवान से शिक्षा लेनी है। ये सब भगवान हमें सिखाने के लिए आते हैं, बार बार भगवान अपने जीवों को सिखाने के लिए आते हैं, जिससे कि वो अच्छे रास्ते पे चलें, वो भक्ति करें और इस दुख भरे संसार से निकलें। तो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। भगवान बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे मन वाले बनो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, इस तरह से तुम मुझ तक आ सकते हो। जैसे पांडवों ने किया, भगवान की शरण ली और भगवान ने उनका हमेशा ही भला किया। कभी भी भगवान की, कभी भी किसी का कोई भक्ति करेगा उसका कोई बुरा करेंगे ऐसा कभी नहीं होगा। तो पूरा विश्वास के साथ हमें भगवान की शरण में जाना होगा और सेवा करना सीखना है, लोगों की मदद करनी है, भक्ति में आने के लिए मदद करनी है। प्रभुपाद जी का ये पूरा प्रचार आंदोलन दूसरों की सेवा के लिए बना है, दूसरों का भला करने के लिए बना है। भगवान कह रहे हैं जो मेरा संदेश दूसरों को बताता है उससे प्रिय ना कोई मुझे है ना कोई होगा। तो भगवान को अपने भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं, और ये करके दिखाया श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी सेवा के द्वारा, और पूरे विश्व भर में इस आंदोलन का प्रचार किया। और आज पूरा विश्व भगवान के नामों को ले रहा है और अपने जीवन को बदल रहा है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।